फैमिली में अगर कुछ है मेरे लिए तो ये दोनों ही है। वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, वो है मेरे पापा। उसके बाद देखा कि सच में मम्मी का मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने पढ़ाई किया है फैशन डिजाइनिंग लेकर। एक नॉर्मल सा थॉट था कि हाँ पापा को हेल्प करना है, पापा के पास जाना है, पापा के साथ उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनको बस सपोर्ट करना है। कुछ मतलब किसी को कुछ सिखाना है, किसी के लिए, किसी और के लिए मैंने सोचा ही नहीं है। मेरे फैमिली के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे रिटर्न करना था अपने कंपनी से रिटर्न टिकट कर दिया था, बट आप लोगों के चलते मैं जा नहीं पाई। स्टार्टिंग हुआ है करीब 4 साल होने जा रहा है। कोरोना का टाइम में मैंने स्टार्ट किया था 2020 में। चावल का दुकान चाव होटल है, यहाँ पर आलू भाजी मिलेगा, करेला भाजी, बैगन भाजी, मूंगी का दाल। स्पेशल क्या रहता है? हम जो चीज़ बनाते हैं सभी स्पेशल है मेरे लिए, क्यों मैं अच्छा से बनाता हूँ। दुकान में तो मैं हूँ और मेरा वाइफ आएगा और मेरा लड़की भी आएगा, उनका तो सपोर्ट चाहिए, क्यों मेरा तो लड़का नहीं है ना। हमारा 3 लड़की है, यही बाकी है शादी देने के लिए, लेकिन ये थोड़ा मेरे को हेल्प कर रहा है। खाना भी बनाता है, काउंटर भी देखता है, दोनों ही काम करता है वो। एक तो दुकान में जितना काम रहता है दीदी सब जानता है। बहुत टफ रहा, बहुत डिफिकल्ट रहा, बट हर डिफिकल्टी में भी सबका, यहाँ पर सबसे पहले तो कोई थे नहीं, तो मेरा फैमिली का जो सपोर्ट था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए। मीन्स एवरी मोमेंट किसी और का बोलूँ या ना बोलूँ, बट मेरे पापा का, वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, वो है मेरे पापा। हर चीज़ में, हर एक चीज़ में, मीन्स हो जाएगा, कर लेंगे, ज़रूर करेंगे, कर सकेंगे, ये जो स्पिरिट है ना वो मुझे मेरे पापा ने दिया एवरी मोमेंट एंड एवरी टाइम। बाद में लकड़ी देंगे ना, लकड़ी में काली हो जाता है तो उसको सफाई करने में बहुत परेशानी भी होता है, खराब भी दिखाता है, इसलिए आप मिट्टी लगा देते हैं बर्तन में। मिट्टी लगा देते आसानी से उड़ जाए काली, देखने में भी अच्छा लगता है। হালকা আজমি যেতনা খানা বনেগা উতনাই আচ্ছা। মেইনলি এরা কি হয়, এরা ঠাকুমা থাকলে ঠাকুর থেকে আপনি এই 3 ডে কে পে, বিশেষ করে দন্দিনী কে পে আপনি টু হ্যাপি, তাই তো? হ্যাঁ, খুবই সত্যি। আমি তো সারা দেশের করব, আমি তো চিন্তা করছি আরেকটা দোকান নেওয়ার চিন্তা করা করছি, কিন্তু এখানে না, সেটা আরেকটা হোটেল বিজনেস করে গেল। ডাল আছে, হ্যাঁ মেয়ে বলেছে, বলে দাদাকে বলে দিই। मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने पढ़ाई किया है फैशन डिजाइनिंग लेकर।
सेकेंड लॉकडाउन, उसके बाद मेरे मम्मी और मेरे पापा ये दुकान चलाते थे बेसिकली. मीन्स फर्स्ट जब ये दुकान स्टार्टअप हुआ लॉकडाउन के बाद से, मेरे मम्मी और पापा चलाते थे. और मेरी मम्मी का अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया. बहुत ज़्यादा शुगर है, हेवी शुगर पेशेंट है वो. तो उनको ना ब्लीडिंग होना शुरू हो गया मुंह से. तो मेरे पापा एक दिन रात को जस्ट मुझे फ़ोन करके बोले कि बेटा तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी बहुत बहुत छुपाती है खुद का प्रॉब्लम को. तो वो एक दिन फ़ोन करके बोले कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है. मैंने बोला मुझे तो कुछ नहीं कहा. तब मैं गुजरात में थी, गुजरात अहमदाबाद महसाना कड़ी बोल के, महसाना में कड़ी बोल के एक जगह है वहाँ पर. तो पापा ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तुम प्लीज़ आ जाओ. मैंने बोला ठीक है. आने के बाद देखा कि सच में मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो वो हम लोगों के फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था. फैमिली में अगर कुछ है मेरे लिए तो ये दोनों ही है. उस टाइम पे पापा ने बोला कि, और अर्निंग बोलने से पापा का बिजनेस ही था फैमिली का, और हम लोग तो करते ही थे, वो अलग था. तो मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं. तो फर्स्ट डे आई, आके बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत ज़्यादा. मीन्स हार्ट ब्रेकिंग टाइम था वो, कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ कुछ पता नहीं है. बट फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली के साथ रहना है, यही मोटो था. और पापा ने बोला टेंशन मत करो हो जाएगा. मैंने बोला ठीक है सर. और वो करते 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 कब 2 साल हो गया पता ही नहीं चला. और 2 साल में कंपनी में ने भी बहुत बार बोला कि आओ आके ज्वाइन करो. एंड मैं भी सोच रही थी, ये लास्ट जनवरी के 2 तारीख को मेरा फ्लाइट था, मुझे रिटर्न करना था अपने कंपनी से रिटर्न टिकट कर दिया था. बट आप लोगों के चलते मैं जा नहीं पाई. और पापा ने अभी स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझे. अभी तो मैटर ऐसा हो गया ना, पापा बोल रहे हैं कि फैमिली तो है ही, साथ में तुमको देख कर कितने लोग क्या सीख रहे हैं. तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ करो ताकि दूसरों को, वो दूसरी लड़कियों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल सके. क्योंकि मेरे लाइफ का जर्नी भी ऐसे ही रहा. मैं जब होटल इंडस्ट्री में गई थी, बाहर में जॉब करती थी होटल इंडस्ट्री में, वहाँ पर मैंने एज अ वेटर जॉब किया, थोड़ा सा सीखी, किचन में जॉब मिला किचन हेल्पर के हिसाब से. फिर किचन हेल्पर के बाद मुझे वहाँ से थोड़ा सा अपग्रेडेशन मिला. तो ऐसे छोटा 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 स्टेप ही मैंने लिया है अपने लाइफ में. तो इसलिए सच में कोई भी काम, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, कोई भी. इसमें जीरा है और सूखा मिर्च है और तेल है और कुछ नहीं. मटन हो है अमन सब देखिए अमर माने और ये एक आ तुमरे की चिकन मटन में आलू यूज करो. आलू दाम सरकारी से जो तड़का तरीका है ना लगाने का, खास करके गुजराती लोग यूज करते हैं तड़का लगाने के लिए, वो वहाँ से ही सीख के मैंने ये चीज सीखा है. अभी क्या बनने जा रहा दीदी? आलू मक्खन रेसिपी का क्या करना है? ताकि फ्यूचर एक कुछ स्टॉल खुल गया था एकदम. बंगाली फूड में बहुत सारा वेरिएशन होता है. जैसे मैंने आई एम बिलोंग टू बांग्लादेश, लाइक मेरे ग्रैंड फादर के जो फादर थे ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. तो हम लोगों का ना बहुत सारा वेरिएशन होता है खाने में. हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं एंड बहुत ज़्यादा चटपटा खाना खाते हैं. तो उसका वेरिएशन जो होता है ना, वो एक एक करके मुझे स्टार्ट करना है. बट अभी मैन पावर भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि अकेला सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है. तो आई एम ट्राइंग के ये सब चीज़ को एकदम से ठीक ठाक करके मैनेज करके कुछ स्टार्टअप करूँ. ओटा दीदी किंतु गरम गरम उठते भाजा किंतु एकदम बेगुन भाजा रेडी हो गया चालू. आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान अभी तो फिलहाल, पहले तो बहुत था, बट अभी फिलहाल इसी को एक्सटेंशन करना है और इसी को ही बनाना है. और देखते हैं कोलकाता के और कोई एरिया में अगर जा पाए तो कोशिश है.
और मेरे साथ अगर ऐसे कोई लड़कियां भी हैं जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वार्म वेलकम है उन लोगों को। अगर कोई ऐसी लड़की है जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए कॉन्टैक्ट विथ मी। इंस्टा शेयर कर दाओ, मेरा इंस्टा का आई डी है ममता गांगुली 094। বেগুন গেল, আলু ভাজা গেল, আমার অটো ভাজা ছিল সব কাজ স্টক রেখে যে না বেগুনগুলি হোটেলে যাবো, আলু আলু जब मैंने ये शुरुआत भी किया था तब भी ऐसा कुछ प्लानिंग था नहीं, मीन्स नॉर्मली एक नॉर्मल सा थॉट था कि हाँ पापा को हेल्प करना है, पापा के पास जाना है, पापा को पापा के साथ उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनको बस सपोर्ट करना है, कुछ मतलब किसी को कुछ सिखाना है, किसी के लिए किसी और के लिए मैंने सोचा ही नहीं है। मेरे फैमिली के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, बट आज के डेट में आप लोगों का इतना प्यार इतना कुछ मिलने के बाद फील होता है कि यार सच में कुछ कर दिया। राइस आ जाता है, आलू फ्राई या फिर आलू भाजा, ब्रिंजल बैगन, करेला करोला एंड आलू चोखा मैंने आलू सिद्ध एंड मूंग का दाल, साथ में ब्रिंजन आलू और बड़ी के साथ एक सब्जी। दी प्लेट का रेट क्या रहता है? 40 रुपीज। 40 रुपीज। 40 रुपीज। चलिए चलते हैं खाते ना। সবজিটা কেমন হয়েছে গো দাদা? দারুণ দারুণ হয়েছে, একদম দারুণ হয়েছে। আমি নিজে টেস্ট করেছি, প্রথমে তো ঝাল বেশি হয়ে গেছিল, তবে শুনতে হয়ে গেছিল। নন্দিনী ম্যাডাম আমাকে একটা মাছ ভেজে দিও, একটু ডাল একটু শুনছি দাদা স্যার জি কিছু লাগে না চাল খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে রান্নার সব কিছু এভরিথিং बेसिकली ना इसमें काटा कम होता है, मतलब इसका काटा बड़ा बड़ा होता है ना तो निकालने में ज्यादा इजी होता है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच अर्जुन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। हाँ आगे जाओ।